अश्वारोहण म्हटलं की डोळ्यांसमोर घोड्यांची शर्यत उभी राहते, मात्र अश्वारोहणात इतरही अनेक साहसी प्रकार आहेत. पुण्यातल्या रेस कोर्सवर हेच साहसी प्रकार दाखवण्यात आले. शो जम्पिंग, ड्रेसा, स्टेट पेपिंग असे अश्वारोहणातील थरारक क्रीडा प्रकार आणि त्याला मिळणारी प्रेक्षकांची दाद असं थरारक वातावरण पुण्याच्या रेसकोर्सवर अनुभवायला मिळालं. सदन कमांडतर्फे सदन स्टार हाऊस शो आणि रिजनल इक्वेस्टेरियन लीग या अश्वारोहण स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यात 12 संघांनी सहभाग घेतला. जो हमारी घुड़सवारी की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनको बोलते हैं इक्वेस्टर्न कॉम्पिटिशन्स, ये हमारा जो इंडिया लेवल पर होता है इसको बोलते हैं इक्वेस्टर्न फेडरेशन ऑफ इंडिया. जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है वो वहाँ से गवर्न करती है इसको, और इसको फिर रीजन 6 रीजन्स में बांटा हुआ है. अलग अलग रीजन्स में कॉम्पिटिशन होते हैं. रीजनल हॉर्स शोज होते हैं, उसके बाद में नेशनल्स होते हैं, और वहाँ से राइडर्स को, कॉम्पिटिटर्स को पिकअप किया जाता है जो इंडियन टीम में बाहर जाते हैं, एशियन गेम में जाते हैं और आगे ओलंपिक में जाते हैं. सैन्य दलात असे धाडसी अश्वक्रीडा प्रकार नियमित खेळले जातात, मात्र या स्पर्धांमध्ये लष्करी संघांव्यतिरिक्त इतरही खेळाडूंनी सहभाग घेतला. 3 दिवस ही स्पर्धा चालणार आहे. हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में होंगे तो क्या है कि बहुत सारे यंग राइडर उभर के आते हैं, जिनको यू नो मौका नहीं मिलता. अगर कॉम्पिटिशन दिल्ली में है तो अपने घोड़ों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए उन राइडर्स को एक मौका मिलता है अपनी अलग अलग जोन में भाग लेने के लिए. और ऐसे ही यू नो मासेस से अलग अलग राइडर्स उभर के आएंगे. कॉम्पिटिशन बदल सांगायचं बदल तर हे नॅशनल कॉम्पिटिशन आज पुण्यात होत आहे, तर पुण्यामध्ये जे ज्युनियर राइडर आहेत, यंग राइडर आहेत, त्यांना ह्या गोष्टीचं ज्ञान हो की इथून पुढे आपण नेशनल लेवल किंवा एशियन गेम्स किंवा ऑलिम्पिक गेम्समध्ये पार्टिसिपेट करू शकतो. घुडसवारी बहुत अच्छा स्पोर्ट है, एडवेंचरस है और मेरे को बहुत पसंद है. ये मैंने 1 साल पहले बेंगलोर में शुरू किया था. मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ. रिजनल इक्वेस्टेरियन लीग हे पुण्यासोबतच देशातील 6 विविध प्रदेशात आयोजित करण्यात आलंय. यामधून यशस्वी झालेल्या खेळाडूची निवड राष्ट्रीय पातळीवर खेळण्यासाठी होणार आहे, त्यामुळे अश्वरोहणात करिअर करू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंना ही स्पर्धा म्हणजे आपलं कौशल्य दाखवण्यासाठी मिळालेली एक मोठी संधी आहे. अश्विनी पवार, झी मीडिया, पुणे.